नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। जेट एयरवेज की तरफ से नई जानकारी देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, कार्लॉक कैपिटल मुरारी लाल जालान यहाँ पर के संयोजन के लिए जेट एयरवेज के उनका पीछा करने के लिए एक नई समय सीमा तय की गई है। आपको बताना चाहेंगे, एक प्रदर्शन सुरक्षा बॉन्ड प्रस्तुत करने के लिए 3 नवम्बर की समय सीमा है जो 150 करोड़ रुपये हो सकता है। आपको बता दें, सप्ताह के अंत में चर्चा की गई थी कि कंसोर्टियम जिसे 17 अक्टूबर को पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया था, हो सकता है कि समय सीमा समाप्त हो गई हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐसा नहीं था। जेट एयरवेज की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर नजर रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि 22 अक्टूबर को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा कंसोर्टियम को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया गया था और प्रदर्शन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहां पर 7 कार्य दिवस मिलेंगे। आपको बता दें, उस गणना में समय सीमा 3 नवंबर होगी। बॉन्ड एक संशोधन का हिस्सा था जिसे 2019 की शुरुआत में दिवालिया और दिवालियापन संहिता के तहत लगाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विजेता बोली लगाने वाला बाद में अपनी योजना वापस नहीं ले। आपको बता दें, यदि संकल्प आवेदक यहां कार्लॉक जलान गठबंधन अपनी योजना को लागू करने में विफल रहता है तो यह प्रदर्शन सुरक्षा को समाप्त कर देगा। वहीं यहां पर बताया गया है, आशीष छछरिया को हल करने के लिए पहुंच गया है और जब वह प्रतिक्रिया देगा तो यहां पर कहानी जो आगे अपडेट होगी। आपको बताना चाहेंगे, परिवर्तन को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के एक नए जोड़े द्वारा प्रेरित किया गया था जहाँ विजेता बोली लगाने वाले ने बॉन्ड को प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, एमटेक ऑटो की एक इकाई ARGL की दिवालिया प्रक्रिया में लिबर्टी हाउस ने प्रदर्शन बॉन्ड का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूशनल ने यूके कंपनी से अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहा था। आपको बता दें, उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई आवेदक समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो यह लेनदारों की समिति के लिए है जिसमें ऋणदाता भी शामिल है, अगर जरूरत पड़ती है तो समय सीमा का विस्तार करने के लिए। आपको बता दें, मुंबई के कुछ वकीलों ने कहा है कि कुछ मामलों में हमने विजेता रिजोल्यूशन आवेदक को प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए 15 दिन मिलते हुए देखा है। आपको बता दें, जेट एयरवेज के मामले में विजुअल रिजोल्यूशन प्लान NCLT को प्रस्तुत किया जा सकता है जब एक प्रदर्शन सुरक्षा कार्लॉक जलान गठबंधन द्वारा जमा की जाती है। वहीं आपको बता दें, FSCT इंपीरियल कैपिटल कॉम्बिनेशन के खिलाफ दौड़ में कंसोर्टियम ने अपनी योजना के लिए ऋणदाताओं के वोटों का लगभग 90% मतदान किया था। जिस तरह से एक नए मालिक की खोज में 16 महीने लग गए, ठीक उसी तरह से एयरलाइन के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए रास्ता लंबा हो सकता है। आपको बता दें, एक बार NCLT ने इस योजना को मंजूरी दे दी तो नए मालिकों को अपनी मंजूरी के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय उद्योग नियामक DGCA से संपर्क करना होगा। हवाई अड्डे के प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए लेकर हवाई अड्डे के स्लॉट तक जिसे इससे उड़ान भरने और उतारने की आवश्यकता होगी वो वापस लेने की सीमा होती है। तो दोस्तों, यह है जेट की नई अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव है, सजेशन है तो आप हम बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूँ आपका दोस्त नायक। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।